ओके दोस्तों, इंडियन मार्केट में मोटोरोला ने अपने दो और एक नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें दोस्तों मोटो एज 20 और मोटो एज 20 फ्यूजन है। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों ही स्मार्टफोन 5G टेक्नोलॉजी से बेस्ड हैं, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी देखने को मिलता है। और दोस्तों ये मोटोरोला की एज सीरीज जो कि एज 20 है, ये यूरोपियन मार्केट में पहले ही मोटोरोला ने लॉन्च कर दी थी, जिसमें आपको तीन स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, मोटो एज 20, मोटो एज 20 लाइट और मोटो एज 20 प्रो। इंडिया में दोस्तों ये दो ही स्मार्टफोन ही लॉन्च करे हैं, जिसमें मोटो एज 20 और मोटो एज 20 फ्यूजन है। मोटो एज 20 फ्यूजन जो स्मार्टफोन है, ये यूरोपियन मार्केट में मोटो एज 20 लाइट हुआ था, उसी का रीब्रांड वर्जन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों स्मार्टफोन में क्या खास फीचर्स दिए गए हैं, जो दोस्तों इंडियन मार्केट में जो पहले से स्मार्टफोन है उनसे इनको अलग बनाते हैं, और क्या है इनकी कीमत, पूरी डिटेल आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों हम शुरुआत करें दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत से। दोस्तों मोटो एज 20 फ्यूजन की कीमत जो कि इसके शुरुआती वेरिएंट की है 21,999 रुपए है, लेकिन इसके अंदर जो आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है उसकी कीमत है 22,999 रुपए। और मोटो एज 20 की कीमत बताऊं तो उसमें 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले की है 29,999 रुपए। और दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन का फ्लिपकार्ट के ऊपर परचेस कर पाएंगे। मोटो एज 20 फ्यूजन को आप 27 अगस्त से परचेस कर पाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो मोटो एज 20 को आप 24 अगस्त से परचेस कर पाएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों आपको ओनली ऑन फ्लिपकार्ट पर ही देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों आपको मोटो एज 20 में देखने को मिलती है 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड OLED पैनल देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करती है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले दोस्तों होने वाली है कमाल की जबरदस्त गेमिंग डिस्प्ले, जो कि दोस्तों आपको ROG फोन 5 में देखने को मिलती है। वो फीचर्स आपको मोटो एज 20 में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon का 778G, जो कि दोस्तों एक नया प्रोसेसर है जिसके अंदर आप गेमिंग भी कमाल की कर सकते हैं, तो फीचर्स भी आपको कमाल के देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अब बात करें इसके कैमरे की, तो दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलता है आपको ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप, जिसमें दोस्तों आपको प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का एक बड़ा सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही एक 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। तो वहीं दोस्तों आपको एक 8 मेगापिक्सल का 30x सुपर जूम कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आपकी कैमरा क्वालिटी होने वाली है जबरदस्त। तो वहीं दोस्तों फ्रंट में एक देखने को मिलती है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो दोस्तों कमाल के हैं दोनों ही सेंसर, फ्रंट में भी आपको कमाल का देखने को मिलता है, तो बैक में भी दोस्तों जबरदस्त आपको फोटोग्राफी इस स्मार्टफोन में मोटो जी 20 में देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में 4000mAh की बैटरी के साथ 30 वोल्ट का चार्जर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है हमारे मोटो एज 20 के स्पेसिफिकेशन। अब बात करें दोस्तों मोटो एज 20 फ्यूजन के स्पेसिफिकेशन की, दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही दोस्तों 90Hz का इसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलता है आपको MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर, जो कि दोस्तों नया प्रोसेसर गेमिंग के लिए लिहाज से इतना खास नहीं है, लेकिन फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड और एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट में इसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल की ही सेल्फी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी बैटरी आपको 5000mAh की देखने को मिल जाती है। फीचर्स दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन कीमत में काफ़ी बड़ा फर्क है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो मोटो एज 20 की कैमरा क्वालिटी जबरदस्त है, ऐसा नहीं है मोटो एज 20 फ्यूजन की बेकार है, लेकिन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो मोटो एज 20 की कमाल के फीचर्स, तो कमाल की फोटोग्राफी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये है फर्स्ट इंप्रेशन, अगर आप किसी स्मार्टफोन से इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, आपको जल्दी किसी भी स्मार्टफोन से इसका कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। और वीडियो आपको पसंद आई है ये मैं जानता हूं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।